महाराष्ट्र में एनसीपी का हाल भी शिवसेना जैसा हो गया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को अजीत पवार की गुट को असली एनसीपी घोषित कर दिया है। आयोग ने अजीत पवार के गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अलर्ट कर दिया है। चुनाव आयोग ने शरद पवार के गुट को नए सियासी दल का नाम चुनने के लिए 3 विकल्प देने को कहा है। शरद पवार के गुट 7 फरवरी 2024 को दोपहर 3 बजे तक अपने सुझाव भेज सकती हैं। इस फैसले से अजीत पवार गुट में जश्न का माहौल है। वहीं शरद पवार गुट मायूस है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की दुहाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने 6 महीने तक चली 10 सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है। बता दें कि आयोग ने कहा है कि विधायकों की संख्या के बहुमत ने अजीत गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह हासिल करने में मदद की। इन सब के बीच आइए जानते हैं अपने भतीजे को राजनीति की ABCD सिखाने वाले शरद पवार इस सियासी जंग में कहां कहां चूक कर गए। आयोग के फैसले के बाद उनके पास क्या ऑप्शन है, तो बात करें आयोग की फैसले की। चुनाव आयोग ने शरद पवार बनाम अजीत पवार गुट मामले में 147 पेजों का आदेश दिया है। आयोग ने सभी दस्तावेजी सबूतों का विश्लेषण कर कहा है कि इससे स्पष्ट है कि अजीत गुट का पार्टी और पार्टी के अलावा संगठन पर वर्चस्व है। इस वजह से पार्टी का नाम और निशान दोनों अजीत को दे दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी सवाल यूं ही बरकरार है कि अजीत पवार से कहां कहां चुके शरद पवार। बात 24 अक्टूबर 2019 की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे में BJP को 105 सीटें मिली थी। शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की थी। चुनाव के पहले दोनों ही पार्टियां पहले गठबंधन में थी, बाद में तालमेल बिगड़ गया और अलग हो गई। फिर शिवसेना ने NCP और कांग्रेस को मिलाकर सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन असफल हुए। इसके बाद 12 नवंबर को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, लेकिन 23 नवंबर को महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस को CM और अजीत पवार को DC पद की शपथ दिलवा दी। हालांकि यह सरकार 2 दिन में गिर गई, क्योंकि शरद पवार ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। ऐसे में अजीत पवार को 80 घंटों में ही DC पद से इस्तीफा देना पड़ा। चाचा के समझाने पर अजीत पवार वापस तो आ गए, लेकिन शरद पवार उनकी राजनीति मनसा भापने में नाकाम रहे। बाद में कई मौकों पर अजीत पवार ने कहा वो भी CM बनने की इच्छा रखते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इतना ही नहीं, शरद पवार ने एक और गलती की जब सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। शरद पवार ने 10 जून 2023 को यानी NCP के 25वें स्थापना दिवस पर बेटी सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद अजीत पवार की नाराजगी की खबरें आईं। हालांकि उन्होंने इससे इनकार कर दिया था, लेकिन शरद पवार ने कहा था कि अजीत पहले से ही विपक्ष के नेता के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो राज्य देखेंगे। शरद यहां अपने भतीजे की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को समझने में एक बार फिर से चूक कर गए। इसके बाद शिंदे सरकार से NCP ने हाथ मिलाया। शरद पवार 2 मई 2023 को NCP अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अजीत पार्टी अध्यक्ष बनाए गए थे। हालांकि समर्थकों के भारी अपील के बाद शरद पवार ने अपना फैसला वापस ले लिया। इस पर अजीत पवार की नाराजगी साफ देखी गई। शरद पवार अपने भतीजे की नाराजगी को दूर करने में चूक कर गए। इसके नतीजे के रूप में अजीत पवार ने अपना अलग गुट बनाकर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल होने का फैसला किया। जुलाई 2023 में उन्हें शिंदे सरकार में DC बनाया गया। देवेंद्र फडणवीस पहले ही DC थे। इन सबके बीच NCP के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद महाराष्ट्र के DC बनकर अजीत पवार ने खुद को NCP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया। अजीत खेमे के नाते प्रफुल्ल पटेल ने मुंबई में 30 जून 2023 को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, उसी में यह फैसला हुआ था। अजीत पवार गुट ने उसी दिन चुनाव आयोग में NCP और उसके चुनाव चिन्ह घड़ी पर अपना दावा जताते हुए लेटर भेज दिया, जबकि शरद पवार ने इतनी तेजी नहीं दिखा पाई। शरद पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र में पार्टी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने 3 जुलाई को आयोग से अजीत समेत 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की। इन सभी घटनाक्रमों के बीच शरद पवार ने अपना सॉफ्ट रवैया अपनाए रखा। YB चौहान सेंटर में हुए मीटिंग में शरद पवार ने कहा जो शिवसेना के साथ हुआ वही NCP के साथ हुआ है। अजीत पवार के मन में कुछ था तो मुझसे बात करनी चाहिए थी, सहमति नहीं हो तो बातचीत से हल निकालना चाहिए था। अजीत की बात सुनकर अफसोस हुआ। गलती सुधारना हमारा काम है, आपने गलती की है तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। हालांकि शरद पवार ने अपने भतीजे पर कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वो फिर से पार्टी को खड़ी करेंगे।
इन सबके बीच शरद पवार को दो अलग अलग तस्वीरों से भी लोगों के बीच गलत मैसेज गया है। एक तरफ शरद पवार ने अजीत पवार के कार्यक्रमों और मीटिंग में अपनी फोटो लगाने पर आपत्ति जताई तो दूसरी तरफ अपने घर पर अजीत पवार से मुलाकात की और उन्हें आशीर्वाद दिया। आयोग के इस फैसले के बाद अब शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। शरद गुट के नेता जितेंद्र अवार्ड समेत कई नेता ये बात कह चुके हैं। सुप्रिया सूले ने भी ऐसे ही बयान दिया है। शरद गुट के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि हमारी आखिरी उम्मीद वही है। हमें शरद पवार के पीछे मुस्तैदी से खड़े होना है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन सबके बीच शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सूले ने अपने अगले कदम का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि हम चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जो शिवसेना के साथ हुआ वही आज हमारे साथ हो रहा है, इसलिए यह कोई नया आदेश नहीं है, बस नाम है बदल दिए गए हैं, लेकिन सामग्री वही है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, एनसीपी ही शरद पवार है। अगर शरद गुट को इससे आपत्ति हुई तो सदस्यों को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी महाराष्ट्र में तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी। 288 सीटों वाले विधानसभा में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56 और एनसीपी को 54 सीटें मिली थी। कांग्रेस 44 सीटें जीत पाई थी और AIMIM को 2 सीटें मिली थी। उसी साल हुए लोकसभा चुनाव में भी एनसीपी तब कांग्रेस से आगे रही थी। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में बीजेपी को 23 और शिवसेना को 18, एनसीपी को 4 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। AIMIM और निर्दलीय के खाते में 1-1 सीट गई थी, लेकिन 2024 के चुनावों से पहले शिवसेना के बाद शरद पवार की पावर कम हो गई है। शरद पवार राजनीति में 6 दशक से भी ज्यादा समय से एक्टिव है। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अब लोकसभा चुनाव की अपनी रणनीति को कैसे आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में 6 सीटों के राज्यसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में शरद पवार कैसे इस चुनौती से निपट पाएंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, अपने हिस्से का राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्या आपको भी लगता है कि चुनाव आयोग एक तरफा कार्रवाई कर रही है? अपने हिस्से का राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।